गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर हिंदी टीचर। आज मैं आपको क्लास फोर्थ में व्याकरण शिल्पी बुक में चैप्टर 1 भाषा लिपि और व्याकरण, चैप्टर 1 भाषा लिपि और व्याकरण, जो कि पेज नंबर 5 पर है। चैप्टर 1 भाषा लिपि और व्याकरण पढ़ाऊंगी। तो इसे पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में क्या क्या बना हुआ है, पहले हम इसे देखेंगे, फिर पढ़ेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है और समझेंगे। तो देखिए बच्चों, इस चित्र में ये एक अंकल है और ये एक बच्चा है। अंकल क्या कर रहे हैं, अंकल आवाज लगा रहे हैं। कैसे, शर्मा जी, शर्मा जी। जब हमारे घर पे कोई आता है तो ऐसी आवाज लगाता है ना, शर्मा जी, शर्मा जी। तो अंदर से फिर कोई निकल के आता है, ऐसे ही इन अंकल की आवाज सुनकर बच्चा निकल कर आया और उसने बोला, नमस्ते अंकल। जब हमारे घर पर कोई आता है तो हम पहले उसको नमस्ते बोलते हैं ना। तो इस बच्चे ने अंकल से बोला, नमस्ते अंकल। अंकल ने बच्चे के नमस्ते करने का आंसर दिया। क्या दिया, नमस्ते बेटा, पापा क्या कर रहे हैं। जब बेटे ने ये सुना कि पापा क्या कर रहे हैं, तो बेटे ने आंसर दिया कि पापा अखबार पढ़ रहे हैं, पापा जी अखबार पढ़ रहे हैं। मतलब इन अंकल और इन बच्चे, इस बच्चे के बीच में बातें हो रही हैं, है ना। तब देखिए बच्चों, आपने देखा ऊपर दिए गए चित्र में महाशय जी, महाशय जी मतलब ये अंकल, घर के दरवाजे पर आवाज दे रहे हैं। जब कोई घर पे आता है तो दरवाजे से ही आवाज लगाता है ना, आपको आपका नाम लेके, राहुल, आपका फ्रेंड आया आपको आवाज लगाएगा राहुल, है ना। तो ऐसे ही ये अंकल दरवाजे से आवाज दे रहे हैं, शर्मा जी, शर्मा जी। ये शर्मा जी के, शर्मा जी का बेटा उनकी आवाज सुनकर आता है। शर्मा जी का बेटा जो कि अंदर है, वो अंकल की आवाज को सुनता है और बाहर आता है। और महाशय जी उस बच्चे से उसके पापा के विषय में पूछ रहे हैं। तो अंकल क्या पूछ रहे हैं, बेटा आपके पापा क्या कर रहे हैं। तो बच्चा बता रहा है कि वह अखबार पढ़ रहे हैं। बच्चा क्या बता रहा है कि पापा जी अखबार पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, इस चित्र से हमें क्या समझ में आया कि बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर विचारों के जानने का यही साधन भाषा है। मतलब जब हम बोलकर, सुनकर, अंकल ने बोला, बच्चे ने सुना, बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर, जब कोई लिखकर बोल बताता है तो हम उसको पढ़कर समझते हैं ना। तो लिखकर, पढ़कर विचारों के जानने का यही साधन क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह साधन जिसके द्वारा बोलकर या लिखकर, वह साधन जिसके द्वारा बोलकर या लिखकर हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। देखो बच्चों, इन अंकल ने बोलकर समझाया बच्चे को, बच्चे ने सुना अंकल की बात को और समझ में आया कि अंकल क्या कह रहे हैं। पहले तो समझ में आया कि पापा को आवाज लगा रहे हैं, तो वो बाहर निकल के आया। फिर उसे समझ में आया अंकल के पूछने पर कि वो उसके पापा के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसने अंकल को उस बात का आंसर दिया कि पापा तो अखबार पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, भाषा क्या है, वह साधन जिसके द्वारा बोलकर या लिखकर,
जिसके द्वारा बोलकर या लिखकर हम अपने विचार, यानी कि हम अपनी बात, अपने विचार, अपने भाव दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों को जब हम बोलकर पहुंचाएंगे तो दूसरों से सुनकर ही समझेंगे ना, और लिखकर पहुंचाएंगे तो दूसरों से पढ़कर समझेंगे। तो दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों आपने देखा होगा कि आप मार्केट जाते हैं और आपको कुछ सामान लेना होता है, तो आप लोग दुकान वाले अंकल से बोलते हैं कि अंकल हमें ये सामान दे दीजिए जो भी आपको चाहिए। मान लो कि आपको बुक चाहिए तो आप बोलेंगे कि अंकल हमें बुक दे दीजिए, तो वो आपको बुक दे देंगे, है ना। इसी तरीके से वह साधन जिसके द्वारा बोलकर या लिखकर हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ सकते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। अब देखिए, ये तो बच्चों हुई भाषा किसे कहते हैं, है ना। इसके बाद भाषा के रूप क्या है, ठीक है। भाषा के रूप यानी कि भाषा के प्रकार। तो भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला रूप है मौखिक भाषा, मतलब जिसमें हमने इसमें पढ़ा भाषा की परिभाषा या अर्थ में कि बोलकर, जिसमें हम बोलकर अपनी बात कहते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरी कौन सी भाषा है, लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है, हमने ऊपर भी पढ़ा है इसमें कि जिस भाषा में हम अपनी बात लिखकर बताते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। तो भाषा के कितने रूप हुए, दो रूप, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि भाषा क्या है, है ना। इस चित्र के जरिए हमने सीखा कि भाषा क्या है और भाषा के कितने रूप होते हैं, है ना। तो कल मैं आपको भाषा के रूपों को विस्तार से समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी, ठीक है। आज इतना ही। आज मैंने आपको भाषा लिपि और व्याकरण का पार्ट 1 पढ़ाया है, कल मैं आपको इसका पार्ट 2 पढ़ाऊंगी, यानी कि आपको नेक्स्ट क्लास में भाषा लिपि और व्याकरण का पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।